किसी के पक्ष को मजबूत करने से पहले, किसी परिणाम पर पहुंचने से पहले, किसी के लिए कुछ कहने से पहले प्लीज उसको जरूर याद करना। तुम क्या बोलते हो उसको, प्रभु श्री राम या माँ जगदम्बा, जीसस या अल्लाह, जो भी हैं, वो जो भी हैं, उन्होंने हमें बनाया है, वही हमारे सबसे बड़े किस्मत को लिखने वाले, हमें मुस्कुराहट देने वाले, हमें आंखों में रोशनी देने वाले, जिससे हम दुनिया का नज़ारा देख सकें, सब कुछ करने वाले वही हैं, लेकिन भुगतने वाले वो नहीं होंगे, भुगतने वाले होंगे हम। कर सकते हैं हम कर्म, कर सकते हैं हम। उसने दो चीज दी है हमारी लाइफ में, एक सही, बहुत सही, एक गलत, ज्यादा गलत, तो चुनना हमें है। और सही और गलत में फर्क साफ नजर आता है, लेकिन जो गलत है ना वो बहुत आसान होता है और जिद्दी होता है कि यही सही है, लेकिन उसका परिणाम उस गलत से भी बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा खराब होता है। सच का साथ देने वाले सही लोगों के साथ वो हमेशा किसी न किसी रूप में रहेगा। आपको आपको पता है कि अच्छाई का बदला अच्छाई होता है। जिंदगी की शुरुआत भले ही कठिनाइयों से हो, लेकिन अंत अच्छाई का और ईमानदारी का अंत बेहतर से भी बेहतरीन होगा। चलिए आज थोड़ा मैं, अब आप कहेंगे कि मैं ये आज कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ हम कुछ देखते हैं या किसी को सुनते हैं, अपने नेबर वगैरह होते हैं जो, या फिर कोई फ्रेंड्स होते हैं, उनकी कोई स्टोरी हम जब सुनते हैं तो सारी बातें, सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। अगर हम जिंदा हैं तो सही और गलत की राय रख सकते हैं, अगर हम जिंदा हैं तो सही और गलत की राय रखना सीखिए। और कुछ भी करने से पहले उसको ज़रूर याद करना, क्योंकि वो है तो सब कुछ है। बाय, थैंक यू।